क्या फिर से आद्या चली जाएगी अपनी माँ को छोड़कर। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब सागर और मीनू शादी करके आते हैं तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद डॉली, बा, तोशु, पाखी सभी मिलकर अनुपमा को ही कोसने लगते हैं कि सागर और मीनू ने इतना बड़ा कदम जरूर अनुपमा के बहकाने पर ही किया है। इस पर अनुपमा मीनू से पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया है। भले ही तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेना ये गलत है। और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी कहीं पर करवाना चाह रही थी तो वो उनका प्यार है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी भी तरह की कोई मुसीबत में पड़े। और हर माँ अपनी बेटी के लिए एक अच्छे भविष्य का ही सपना देखती है। और इसीलिए डॉली बेन ने तुम्हारे लिए जो रिश्ता देखा था ये उनका प्यार था, इसीलिए तुम्हें शादी करने से पहले इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए था। जहाँ एक तरफ अनुपमा डॉली का साइड लेकर मीनू और सागर को समझा रही होती है, वहीं पर डॉली खूब फूट फूट कर पहले तो रोती है, उसके बाद उठकर वो अनुपमा को कोसने लगती है कि जरूर इन दोनों ने आपके बहकाने पर ही ये काम किया है। आप ही ने इन दोनों के दिमाग में इतना घटिया प्लान डाला है कि बिना किसी को बताए बगैर शादी कर लो, वरना ये दोनों ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद डॉली रोते हुए अनुपमा को कहती है कि आपने जो किया है ये बहुत गलत किया है, आपको एक माँ की हाय लगेगी। मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी अपनी बेटी के प्यार के लिए तरसेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से डॉली ने अनुपमा को बोला है, इस तरीके से आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि आद्या फिर से अपनी माँ से दूर चली जाए। क्योंकि जब श्रुति और अनुज का ब्रेकअप हुआ था और अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिलने वाले थे, उस समय वनराज शाह ने अनुपमा को श्राप दिया था कि तुम्हें श्रुति की हाय लगेगी और तुम दोनों की शादी कभी सफल नहीं होगी। और वाकई में ऐसा हुआ, अनुज और अनुपमा मिल भी नहीं पाए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि किस तरीके से अनुज जो था वो अनुपमा से नफरत करने लगा था, उससे दूर भागने लगा था। यानी कि वनराज की कही हुई बात कहीं ना कहीं सच हो गई थी। और अब डॉली ने भी अनुपमा को वैसी ही बात बोल दी है। और जहाँ पर इस तरह का बात आता है तो मेकर्स एक बात तो पहले ही हिंट दे देते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड से इतनी बात तो पता चल गई है कि अपकमिंग एपिसोड में शायद कुछ एपिसोड के बाद आपको देखने को मिले कि फिर से आद्या अपनी माँ से दूर जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों की इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।